बायोनिक और एक नॉन बायोनिक, दोनों के अंदर रीजन है कि बायोनिक ऐसा रहता है कि जब आप ये वेयर करते हो तो इस साइड से ये ऐसा मूव करता है, देखो ये ऐसा, ये फ्लेक्सिबल होता है। तो हेलो नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज साजिद, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू माय अनबॉक्सिंग वीडियो। थंबनेल के अंदर आपने देख ही लिया होगा कि इसकी चीज़ के अंदर क्या है, तो फटाफट इसको अनबॉक्स करते हैं इस बॉक्स को। सबसे पहले ये चीज़ मैंने मंगाई थी अमेजोन के ऊपर से, और कुछ ऑलमोस्ट एक बेटा मुझे प्राइस नहीं पता क्योंकि मैंने किसी और बंदे के अकाउंट से मंगाई थी, ऑलमोस्ट 2000 के ऊपर, मतलब 2400 या 2500 की चीज़ होगी। नी गार्ड और एल्बो गार्ड, ब्रांड थोड़ा सा पता नहीं, इस साइड से अमेजोन की तरफ से आई हुई एक रिसिप्ट है, और यहाँ पे क्या दिया है, स्टोरी बॉक्सेस, मतलब एक लड़की का फोटो है, स्कैन करेंगे तो निकल जाएगा। तो फटाफट एक काम करते हैं, इसको अनबॉक्स करते हैं और देखते अंदर क्या है। निकल गया अपना नी गार्ड एल्बो गार्ड, साथ में एक पर्ची दी है अमेजोन की तरफ से, क्लाउड पे इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, प्राइस बताता मैं बाद में। और ये तब इसको देखते हैं साइड में बॉक्स में। जितने भी मैंने यूट्यूब के ऊपर वीडियो देखी तो सारे बंदों ने ये बताया कि भाई इसकी जो अनबॉक्सिंग बोल रहा, जो पार्सल वाली जो बॉक्स था, मतलब सिर्फ बंदों को इतना ही मिला है, सब बॉक्स वगैरह से कुछ मिला नहीं है। तो आई एम लकी कि मुझे ये सब कुछ मिला। इसके अंदर थोड़ा सा सेफ भी था बॉक्स के अंदर, कार्टून के अंदर आया तो ये स्काइको जो भी है वो, इसके ऊपर कितना दिया है, स्काइको मोटर बाइक राइडिंग रेसिंग राइडिंग नी एंड एल्बो गार्ड के 11 ब्लैक, और उसका MRP दिया है 2149 इंक्लूडिंग ऑल टैक्सेस, मतलब 2149 का मुझे गिरा क्या मैं सोच रहा था, 49 ओके ओके वट एवर जो भी हो वो 2149। तो ओपन करते हैं इसको पहले, ये पीछे साथ ही क्या है, हाँ ये हमेशा अच्छी चीज़ों को लगाते रहता। तो ये दो है नी गार्ड, ये है दोनों एल्बो गार्ड। तो बात करते सीधा पहले एल्बो गार्ड की, इसका अंदर का जो भी है, देखो ये फर्स्ट टाइम है मेरा, मतलब सीधी सी बात है, पहले मैं राइडिंग किया करता था तो उस टाइम के अंदर इतने लंबे लंबे टूर नहीं हुआ करते थे, अगर हुआ भी करते तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें हेलमेट कैरी किया करते थे उस टाइमिंग के अंदर। बट जैसे जैसे मैंने मतलब GoPro लिया तो उस टाइमिंग के अंदर फिर मैंने क्या किया, अच्छा सा हेलमेट लिया, पहले तो मैं हेलमेट भी नहीं यूज़ करता था, सीधी बात है। और इतने ज़ोर से हम लोग बाइक राइडिंग वगैरह भी नहीं किया करते थे, स्पीड में नहीं जाया करते थे, बट देखो सेफ्टी ज़रूरी है। तो स्लोली मैंने सबसे पहले क्या किया, एक अच्छा हेलमेट लिया, हेलमेट लेने के बाद में उसको परफेक्टली यूज़ नहीं करने का, मतलब ये सेकंड हेलमेट है, इसके बाद में मैंने एक पहले हेलमेट लिया था उसको भी ठीक से यूज़ नहीं करने का, बस इतना क्या मामू लोगों से बचने के लिए, बाकी और दूसरा कुछ रीज़न नहीं था उसके पीछे। तो हेलमेट लेने के बाद में फिर मैं सोचा कि काम करते फिर आप लोगों की मोटर ब्लॉगिंग स्टार्ट करनी है, तो उसके लिए फिर मैंने ये सब कुछ चीज़ें मंगाई। स्कॉर्पियो का इसलिए मंगाया कि मेरा पहले ये तो प्लान था कि मैं एक अच्छे ब्रांड का लूँगा, मतलब ये भी ठीक है, मतलब कुछ नहीं लेने से बेहतर है कि ये ठीक है, तो ये चीज़ मंगाई मैंने। तो मेरा पहला ये था कि मैं ये हूँ कौन सा राइनोस कंपनी का मंगाने वाला था, बट वो मंगाया नहीं मैंने। तो ये दो चीज़ें मुझे मिली है स्कॉर्पियो की तरफ से, और बहुत अच्छी है, मतलब ठीक ठाक ही है, ठीक ही है, मतलब इतना है क्या, अगर मेरा खुदा ना खासा अगर आगे जाके कुछ एक्सीडेंट वगैरह छोटा मोटा भी होता है तो ये मेरे को बचा देंगे। तो इसका अंदर का कुशनिंग वगैरह एकदम ठीक है, ये अपने बॉडी के हिसाब से इसको अपन निकाल भी सकते हैं और फिट भी कर सकते हैं, दोनों साइड से एडजस्टेबल दिया है, एल्बो के अंदर भी है और नी के अंदर भी, परफेक्टली ये ओपन कर दिया, अंदर की कुशनिंग वगैरह भी परफेक्टली है। और इसके अंदर ऐसा समझ लो कि दो टाइप आते हैं, एक बायोनिक और एक नॉन बायोनिक, दोनों के अंदर रीज़न है कि बायोनिक ऐसा रहता है जब आप ये वेयर करते हो तो इस साइड से ये ऐसा मूव करता है, देखो ये ऐसा, ये फ्लेक्सिबल होता है, और नॉन बायोनिक जो होता है ना तो उसके अंदर फ्लेक्सिबल नहीं होता, ये पूरा डायरेक्टली सीधा होता है, मतलब थोड़ा सा दिक्कत आई आपको चलने फिरने के लिए ऐसा फोल्ड करने के लिए, तो यही रीज़न रहता है। तो फटाफट इसको मैं पहले समझ लेता हूँ, पहन लेता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि कैसा लग रहा है उसमें। तो भाई इसको लगाने के लिए बहुत दिक्कत है, मतलब इस साइड का निकल जा रहा है, कभी इस साइड का निकल जा रहा है, मतलब स्टार्टिंग था अपना इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम आया। तो इट्स परफेक्ट, मुझे तो लग रहा है कि फर्स्ट टाइम पहनने के बाद थोड़ा सा टाइट है, यहाँ पे थोड़े से रैशेज वगैरह है, मतलब जब ऊपर से टी शर्ट वगैरह या शर्ट वगैरह कुछ भी लेंगे सब लोग तो पहनने के बाद मुझे इतना फील नहीं आएगा, अभी हाथ खाली है ना टी शर्ट पहने इसलिए ऐसा फील आ रहा, थोड़ा सा लूज पहनूंगा तो नीचे चले जाएगा, तो दैट्स व्हाई मैंने क्या थोड़ा सा टाइट किया,
टाइट होने की वजह से यहाँ पे थोड़ा सा मुझे महसूस हो रहा दोनों साइड से, बट इट्स गुड और सेफ्टी ठीक ठाक ही देगा। क्या लगता है आपको, कैसा लग रहा हूँ मैं? सही है ना, कुछ नई लेने से बेहतर है क्या ये ले लो। मतलब सबसे पहले तो मैंने ये डिसाइड किया था कि अपर जैकेट वगैरह लेंगे, पैंट वगैरह लेंगे राइनोस की, एक अच्छे ब्रांड की। बट देखो कहीं स्टार्ट करने से पहले ना कुछ तो लेना ज़रूरी है, और वो उतना बजट नहीं अभी फिलहाल में अपने पास, तो उसके हिसाब से ये ले लिया। तो बताना ज़रूर ये अगर आपको लेना हो तो, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर देखो, अगर लेना हो तो परचेस कर सकते हो। मेरी तो रिकमेंड ये देंगे कि भाई छोटी मोटी भी राइड करते हो तो ये ज़रूरी है, नहीं एटलीस्ट तो कम से कम हेलमेट तो ले लो, बट ले लो। पहले तो मैं तो मस्त रैशिंग वगैरह करके फिरा करता था, बाद में मेरे सामने दो तीन एक्सीडेंट हुआ तो मेरे फट के हाथ में आ गई, तो उसकी वजह से फिर मैंने ले लिया। तो करते व्लॉग की समाप्ति, सॉरी व्लॉग की नहीं, इस वीडियो की समाप्ति यहीं पर। अगर आपको ये वीडियो अनबॉक्सिंग वाला वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल के ऊपर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, और टाटा बाबा खुदा ऑफिस, अपना ख्याल रखना, मैं भी अपना ख्याल रखूँगा, राइडिंग गियर जरूर लेना अगर राइड करती हो तो, ओवर एंड आउट।